शैलजा मिश्रा जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी मैम। मेरा नाम शैलजा मिश्रा है जी। मैम बताएं। और मेरी एज है 68। ठीक है जी। और मुझे रोमेटाइजिंग अथराइटिस है। ठीक है मैम। हेलो जी जी जी, और कुछ कहना चाहती है? जी हाँ, मुझे मैंने आपके यहाँ से ट्रीटमेंट किया था। मैम पूरी बात कर लीजिए प्लीज, टीवी मत सुनिए। और मैंने 7 महीने ट्रीटमेंट किया आपके यहाँ से, और मैं ठीक हो गई थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से मेरे बैक कमर में प्रॉब्लम है, और मेरी पीठ में जैसे कुबड़ सा निकल रहा था। ठीक है ठीक जी। हेलो जी जी, हम समझ गए। हाँ, भगवान आपको सलामत रखे, खूब लंबी ज़िंदगी दे, और दुनिया में और आखिरत में कामयाबी दे। और आप ठीक भी हो गए थे, और जो दवा इलाज आप लेते थे, टी केयर कैप्सूल लेते थे, वही लें, और अलसी के पाउडर के साथ लें। अलसी तो महिलाएं जानती हैं अलसी क्या होती है, अलसी नहीं जानते तो जो लोग, तो वो अपने सेलफोन में अलसी लिखकर गूगल पे सर्च करें तो वो समझ जाएंगे अलसी क्या होती है। अलसी खरीदें, 200-300 ग्राम खरीद लें, और इसको हल्का सा भूनकर पाउडर बनाकर रख लें। आधा चम्मच अलसी खाएं, और ये आर ये जो आपके पास कैप्सूल टी केयर आपने खाया था, तो ये एक कैप्सूल खाएं, आधा चम्मच अलसी खाएं, पानी या दूध से लें। और जो लोग हेल्दी हैं, जो लोग ज़्यादा मोटे हैं, तो वो नमक जैतून और खाने के सोडे के पानी के साथ लें। तो आप देख लें, आप ज़्यादा हेल्दी हैं तो नमक जैतून और खाने के सोडे के साथ अलसी और टी केयर जो आप लेते थे वही लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। वज़न वगैरह ना उठाएं, झाड़ू पोंछा बिल्कुल ना करें, खूब भगवान से मदद मांगे तो फ़ायदा दोबारा से भी मुमकिन है।